हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं हूँ मुक्तेश्वर, मैं शूट के लिए आई हुई हूँ। तो ना, व्लॉग मेकअप से पहले स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि अभी मैं थोड़ा सा बुढ़िया बनने वाली हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ कि अभी ऐसे भी थोड़े दिन में मैं बुढ़िया बन के कैसे लगती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि अभी तो चलो नॉर्मल नॉर्मल, अभी थोड़ी देर में जब मैं बुढ़ी बन जाऊँगी तो कैसी लगूंगी। कोई आया क्या? नहीं आया। तो चाय हमने पी ली है, नाश्ता अभी नहीं किया है, नाश्ता अभी थोड़ी देर में आएगा। बाकी उर्वशी जी का मेकअप हो रहा है और वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है साक्षी। हेलो गाइस, 16/22 वो भी देहरादून से आए हैं, वो भी देहरादून से आए हैं। इनका कल भी शूट था तो मैं कल शाम पहुंची और आज मेरा शूट है। आज कंप्लीट करके कल को वापस घर को। तो मैंने साड़ी पहनी हुई है ये वाली, और इस सॉन्ग में उर्वशी मेरी बहू बन रही है और मैं उसकी सास बन रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ओवर एज बनना है। तो इसके लिए मैंने कहा चलो पहले नॉर्मल फेस दिखाती हूँ आपको, इसके बाद मैं आपको अपना बुढ़िया वाला फेस दिखाऊंगी कि कैसा लगता है करके। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग, दिखाते हैं आपको। बाकी इस एक्ट में मेरे साथ जीवनदा है, जीवनदानू, जिन परसों भी मिली थी बट उस दिन सॉन्ग नहीं था, इसी मिले थे। और नीरज चुफाल जी और ममता दी का गाना है। शूट जो है इधर ही कहीं होगा गाँव में, और मुक्तेश्वर से थोड़ा पीछे हैं हम लोग। एक भटलिया है ना, भटेलिया से पाँच किलोमीटर अंदर को, मतलब मुक्तेश्वर वाली रोड अलग और ये भवाली वाली तो इधर साइड है हम लोग। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग। अभी थोड़ी देर में मैं बुढ़िया बनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। रिजॉर्ट का नाम मुझे नहीं पता क्या है रिजॉर्ट का नाम पता नहीं, लेकिन मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से बाहर का। तो बाहर का व्यू है कुछ ऐसा, चारों तरफ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट रिजॉर्ट रिजॉर्ट। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इधर, क्योंकि बहुत ठंड हो रहा है, और चारों तरफ इधर रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। बाकी सामने आप देख सकते हो मस्त है, उधर पे धूप आ गई है, इसका मतलब धूप आ जाएगी, उतनी टेंशन नहीं है। लेकिन हवा बहुत गंदी चल रही, बहुत रिजॉर्ट बन रहे हैं यार इधर को, क्योंकि एरिया थोड़ा पहाड़ों पहाड़ों वाला है ना, और इधर को मतलब क्राउड भी रहता है लोगों का और टूरिस्ट का, तो इसलिए बहुत रिजॉर्ट बन रहे हैं इधर को। जैसे कि ये वहाँ पे दिल को रिजॉर्ट का काम चल रहा है, वो रिजॉर्ट है, वो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट 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 रिजॉर्ट। गुड़िया आ गई नहीं, वो अभी मैं नाश्ता करने के लिए आई ऊपर, और यहाँ से सुंदर हिमालय का व्यू दिख रहा है, लेकिन हल्का कोहरा लगा है। और यहाँ पे को हम लोग करेंगे नाश्ता, नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे शूट के लिए। ससुर और बुआरी का प्यार, ससुर और बहू का प्यार। लेके आएगा गाड़ी अपनी चौपाल जिला। तो अभी हम लोग शूट के लिए आ गए हैं एक गांव में, जहाँ हमारी जो मेन रोड था ना मुक्तेश्वर में, जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे, उससे थोड़ा सा नीचे चल करके है घर है, वो वाला थोड़ा पहाड़ी घर टाइप का है। तो ये है रास्ता, हल्का चलना है, बाकी चल के दिखाती हूँ आपको गांव कैसा है। तो दोस्तों ये है वो बाकरी जहाँ हम शूट करने के लिए आए हैं, और ये बता रहे थे कि बहुत पुरानी है, यहाँ को गाय बच्चा वगैरह। बाकी हमारी टीम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा टीम है, और ये वो पुराना घर है, हैं? गाइस उर्वशी का शॉट चल रहा है, देख सकते हैं आप बहू का, और हमारे सौरजू, हमारे सौरजू ना जीवन, अरे मेरे बुढ़जू हैं बुढ़जू छो, मैं कह रही हूँ हमारे सौरजू, ना ना एक दिन सौरजू हमारे तो बुढ़जू हैं। तो मित्रों ये भावना कांडपाल अभी नर वीडियो तो हम चाहने भी है लगातार सब्सक्राइब में सब्सक्राइब फेंक दियो एक बार के ना सब्सक्राइब करन में गम जदूले फॉलोवर्स सब कर दिया सब्सक्राइब।
50% हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी, 40% हो गया है। हमारा खाना आया है 4 बजे के टाइम पे। जी पोस्टर के लिए हमारा शूट खत्म हो गया है, ठंड से काफी रिपोर्ट आ गई है। बहुत मुक्तेश्वर जैसी जगह है भाई, ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा। अब ठंडे से सबकी हालत खराब हो चुकी है, देखें आप। चलो अपनी पाए निकालो, हमारे डीओपी जी हैं, ये कोरियोग्राफर जी हैं, हम बिहार से आए हैं। देखिए डीओपी जी हैं, फोटो है बस तुम्हारी, ये बिहार से आए हैं। फोटो ले रही ना पायल वाली, तुम घूमरो और हम पोस्टर पता है आपको तो पता है। सारी टीम है हमारी, फिर साड़ी पहनो, मैं हूं नगर, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मम्मा है। तो पर शूट नहीं करना दोबारा, माँ भी बन गई, मैं माई बनने की कमी थी बस गानों में, अब वो भी पूरी हो चुकी है। एक फोटो लेते टीम के साथ, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। देहरादून वाले बताएंगे कितना ठंडा हो रहा है। ये आईफोन दिखाने की जरूरत है हम गरीबों को, ठीक है? हमारे पास भी तो आईफोन ही है, वो किडनी बेच के लिया है वो, हम फिर गरीब तो हुई। चलो आ जाओ, पैकअप बोलो, फिर एक बार पैकअप बोलो, बोलो बोलो टुडे, बोलो डायरेक्टर साहब, बोलो। अरे पहले फोटो, पहले बोलो, पहले फोटो, तो दोस्तों हो गया शूट खत्म हमारा। अरे मुझे भी तो एक साथ बोलेंगे, 1 2 3 और ठंडा इतना ज्यादा बढ़ चुका, कोई नहीं पहचान सकता हम लोगों को। बाकी यहाँ दोस्त मस्त मस्त गोभी हो रही, गोभी का खेत हो रहा है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि सही होगी, सारी खराब जैसी लग रही है। जगह बहुत अच्छी है, शूट पूरा हो गया है, बहुत ठंडा है, पर मैं पहली बार मुक्तेश्वर साइड आ रही हूँ। ऊपर से ठंड का मौसम, ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा, बादल, धूप भी नहीं आई है पता है आपको, लेकिन अच्छी जगह है, इंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने वालों के लिए बढ़िया है। लेकिन जो हाफ में इनकी तरह जो हाफ में शूट कर रहा है, सच्ची में कुड़ी ठंड में लकड़ी गई लकड़ी, वो और उर्वशी बेरी नाक साइड की है, घर पूजे ना कैसे का देहरादून पूजे में है क्यों आप कान पकड़ो नहीं हुई जाए मेरे, रहती देहरादून है पर बेरी नाक की है। इसकी आपको पहाड़ी लैंग्वेज तक से ही समझ आ रहा होगा, सांस लेना दुश्वार हो रहा है। दिन में बैठी सासू ने मेरे जी ने आराम कर रखी हूं, कंट्रोल लगा रखी दोनों घरों में, सड़क नहीं है, सांस ही बन गई मैं आज, दिन में भरी कचकचाहट लगा रखी ने मेरे सासू सच्ची में गुणियो मेरे बैगन में का फोन दिया रखा सासू को, रेगी बे चिड़ी बे बर्मा ना चाह रही हूं ये रेगी रही ना की बात हुई यार। मैंने तो मोजे भी पहन लिए अपने, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इसके गाल देखो कैसे लाल हो रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही है, पर नेचुरल ब्लश आ रखा। मम्मी का बच्चा, बाकी हमारी टीम नीचे से आते हुए, मम्मी का बच्चा, मम्मा ना मेरी वो है, सामने पहाड़ भी दिखता है, यहाँ से अल्मोड़ा भी दिखाई देता है, प्रसार देवी मंदिर, शाही देवी मंदिर सब दिखाई जा रहा। बस अब रूम पे Then back up.